फेशियल के बाबा ने भी शॉपिंग कर ली है माशाल्लाह से, वो बिलिंग करवा रहे हैं ईद की शॉपिंग। हम अभी मेंस डिपार्टमेंट में हैं, वैसे हम ईशल की रोज़ा खुशाई की शॉपिंग करने आए हैं, उसके साथ साथ ईशल के बाबा ने भी लगे हाथों अपनी शॉपिंग कर ली। ये गुड हो गया, वो देखिए कहाँ से जाएंगे। ये थोड़ी बहुत अभी हमने शॉपिंग स्टार्ट करी है। हाय, बच्चे आज घर पर हैं। ये हमने रोज़ा खुशाई की शॉपिंग कर ली है ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं बाकी, अभी 3-4 दिन बाकी हैं तो और चीज़ें भी लेनी हैं। ईशल के बाबा बस ये भी है, और बाकी मैंने सबको डाल देता है तो खैर लोड है के लिए मेरा ने ऐसे। और ये गाइस मिठा के बालों पे कलर करके दिखाती हूँ मैं, मेरे पास एक शीशा है। मेरे आगे जल्दी से पढ़ो, मम्मा आंटी ने बुला लिया। तुम जाओ, मैंने तो बेटा बुलाया तुम्हें। मेरे शीशा ठीक है गाइस, यहाँ पर हो रही है मिर्हा की कटिंग, हो चुकी है मेरी, हो चुकी है गाइस, ये देख सकते हैं आप। ब्लैक कलर का सूट है हमारा। कोई भी सरप्राइज तो रहने दो थोड़ा सा कि क्या पहनोगे नहीं रहा जाता। और ये रोज़ा खुशाई का सूट है। अरे अभी मम्मा जो है वो मेरा ड्रेस सी रही है, मेरा ड्रेस तो सिल रहा है, और उसके बाद 2 दिन बाद जो है मेरी रोज़ा खुशाई है। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे मेरी रोज़ा खुशाई के लिए, तो लाइक सी मम्मा क्या सी देख सकते हैं आप, मम्मा सी रही हैं। अरे बस तैयारियां हो रही हैं जोरों शोरों से रोज़ा खुशाई की। मैं मेहंदी लगा रही थी, मुझे आती तो है नहीं मेहंदी लगाना, ऊपर की वो देखें। और ये मैंने ऐसी बटरफ्लाई बना ली थी फालतू, और अभी मैं जा रही हूँ उसे थिनर से मिटाने। इस बड़ा मज़ा आएगा जब मेरा ड्रेस सिल जाएगा और जोरों शोरों से तैयारी होगी, बलून शलून सब कुछ, मैं जितना कर सकती हूँ ना उतना करूँगी मैं रोज़ा खुशाई के लिए। मैंने शॉपिंग भी की है, मतलब मम्मा बाबा ने जाके की है शॉपिंग रोज़ा खुशाई की जाकर, और मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू रखूँगी, बहुत मज़ा आएगा मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो ओके okay?